पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 फरवरी को यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू की जाएगी, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में तैयारियां जोरों पर देखी जा सकती हैं। जनपद मुरादाबाद में 125 परीक्षा केंद्र पर यूपी बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 8:15 से 11:15 तक रहेगी, दूसरी पाली 2:15 से शाम 5:15 तक रहेगी। मुरादाबाद के माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की बैठने की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी। शिक्षा विभाग की माने तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सभी परीक्षा केंद्र पर कराए गए हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता सिंह के मुताबिक परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हें मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य को पूरा कर लिया गया है। कुल मिलाकर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग और माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और कल से हमारे विद्यालय में बोर्ड की परीक्षाएं हैं और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्देश था कि विद्यालय में 2 कैमरे हों और रिकॉर्डर हो, वॉइस रिकॉर्डर, तो इन सारी चीज़ों का प्रबंध कर लिया गया है। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे हैं, वॉइस रिकॉर्डर विद वॉइस रिकॉर्डर्स हैं और गेट की ओर भी कैमरे लगा दिए गए हैं और हर एक कक्षा को उसी मानक के अनुसार जो कि बोर्ड के निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार तैयार कर दिया गया है और विद्यालय में पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि जिससे कि कल से जो परीक्षाएं हैं परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो और वो सहज होकर अपनी परीक्षा दें।